छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। दरअसल टीएस सिंहदेव ने माना कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में से 6-7 वादे पूरे नहीं हुए हैं। सिंहदेव ने कहा कि शराबबंदी की बात थी जो नहीं हो पाई, 100% डिलीवरी हुई है यह नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों में अच्छा काम हुआ है। वहीं सिंहदेव ने सीएम के साथ मिलकर पार्टी को जिताने के बारे में कहा, हम दो लोग ही नहीं बल्कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता लगे हुए थे। पिछली बार हम लोग घोषणा पत्र को लेकर चुनाव में उतरे थे, जबकि इस बार काम को लेकर जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ हमने किया उसके आधार पर नागरिकों का भरोसा मांगेंगे। तो बाबा के इस नए बयान के बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी राय भी जरूर कमेंट करें।